सस्पेंड करोगे, गलत हो रहा है। नहीं नहीं, मैं सच्चाई मैं खुल के कह रहा हूँ, आप 506 लगा देना मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, 45 मुकदमे दर्ज है पूरे देश में, हो जाएंगे। और बात सुनो पहले ही, और बात सुन लो, मैं क्लियर कह रहा हूँ, राजनीतिक भी करूंगा, कूटनीतिक भी करूंगा, अठोक नीतिक भी करूंगा। बात ऐसी है कि जो जो इस बंदे ने गलत किया, अगर पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया तो ये खड़ी पूलन देवी मैं उठवा लूंगा, क्लियर बोल, उठवा लूंगा उठवा लूंगा। एक बार और सुन लो, न्याय जनता देख के भोलापन दिखाते हो, अकेले में किस तरीके से बात करते हो सब पता है। एसीपी सोनू है ये, थोड़ा इज्जत से बात करना, चल पीछे हो नहीं, आगे जुबान पे बात है, फिर बढ़िया बात करें, चल पीछे, इसको बोला आपने, आगे हो जाए। इनका नाम है राहुल देव, पोस्टमार्टम, अरे एक सेकंड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी पीए साहब से बात करके आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना मेरे ऑफिस भिजवा दे, ठीक है, और नॉर्मल करवा रखिए ना, तभी करेंगे। जहाँ आपका सवाल है, बड़ा सवाल है ये, बताओ अगर मैं राज्यपाल साहब को लिख करके सारे अधिकारियों के खिलाफ लिखूं जिन्होंने गलत किया, क्या आप ये ठीक रहेगा? एक बार सुनो, बाबा सारे सुनो, अगर गलत करा कहीं मत लिखो, अगर गलत करा तो करने वाले के खिलाफ लिखना, कानून में अगर पुलिस के पास पावर है ना तो पावर हमारे पास भी है, आप लिखो, जिसने गलत करा है जरूर लिखना चाहिए। ये तो हो गई बात मर्डर केस की, आप कोर्ट में एप्लीकेशन सोमवार तक दाखिल करेंगे, भाई बता दे सोमवार तक बोला इन्होंने, ठीक है, आप अपना और हाँ बताओ लिखित में कुछ तो लाए होंगे, आप लाए होंगे, बात कर ले पहले, हम में और मेरे में, चोरों में और मेरे में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात, इनके साथ में वही एक साल के बाद फरवरी के महीने में इसी साल लगातार एक साल तक चलता रहा, क्या रस्ते में रोकना, छेड़खानी करना, फप्तियां कसना, गलत व्यवहार करना, ये इनके साथ चलता रहा। ये अपने घर पे शिकायत करते, ये जाते चौकी थाने, चौकी थाने वाले भगा देते, कहा है वो चौकी, चौकी लगती थाना लगता है, थाने भी गए उस समय, जो भी वहाँ एस एच ओ थे, चौकी इंचार्ज थे, भाई वो चाहिए सस्पेंड, क्या जवाब है बताओ? इसके बारे में आप लिखित में दो, मैं एसपी साहब के आगे पुट अप कर दूंगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि मैं कोई चीज आपको इस बारे में कमिटमेंट करूंगा, एसपी साहब उसकी जांच कराएंगे, एसपी साहब से आपकी बात सस्पेंड 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 करोगे, गलत हो रहा है। नहीं नहीं, मैं सच्चाई मैं खुल के कह रहा हूँ, आप 506 लगा देना मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, 45 मुकदमे दर्ज है पूरे देश में, हो जाएंगे। और बात सुनो पहले ही, और बात सुन लो, मैं क्लियर कह रहा हूँ, राजनीतिक भी करूंगा, कूटनीतिक भी करूंगा, अठोक नीतिक भी करूंगा। बात ऐसी है कि जो जो इस बंदे ने गलत किया, अगर पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया तो ये खड़ी पूलन देवी मैं उठवा लूंगा, क्लियर बोल, उठवा लूंगा उठवा लूंगा। एक बार और सुन लो, न्याय नहीं मिला, ठीक है, और फिर दोबारा सुन, सुनना तो सुन लो, क्राइम किया है, यदि कानून इनका साथ देगा तो कानून पे एक्शन नहीं, ना तो गैर कानूनी ना गैर सामाजिक बात करो, चला दी, उन्होंने क्या कही है, सारी जांच, दूसरी बात ये कही है आपने, सारे साथ शेयर सफाई का काम मैडम, क्या कहते हैं, क्या करेंगे, एक छोटा सा बच्चा है, बिगड़े है, बच्चा है इसके पास, जवाब है भाई पुलिस के पास, कहाँ है पुलिस हमारी, छाती ठोक के बोलता है, हमारी पुलिस कहाँ है बताओ आप, उनके पास किले हैं, जमीन है, वो बेच देंगे, कल तक हमारे पूरे परिवार को मारेंगे, मजदूरी भी नहीं करने दे रहे, आप गिरफ्तारी भी नहीं हो जाए, कपड़े फाड़ते हैं, बताओ के ऊपर बैठ गए वो, तभी भाई आया तो उसने थोड़ा बहुत हाथापाई किया तो बोलता चक्कू मार दिया, माइक ले लो सर जी, देख बहादुर जी, देख बहादुर जी, इनको आगे माइक ले लो सर जी, आप बताओ माइक ले लेना, जो भी माइक की जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बता, माइक की जरूरत नहीं है, जो रियलिटी है, ये देखो इन इनके घर पे गया था वो, ठीक है, घर के बचाओ बचाओ में उसको थोड़ी बहुत चोटें आई है, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी मेडिकल बनवाया, उस केस पे भी आएंगे बात करेंगे, कर लेते हैं एसपी साहब को क्या बोलते हैं, अभी 24 तारीख पिछले पिछले महीने नंबर नंबर तो उसमें दे रखा है, और पूरा गुणबा मारा जेल में घेर रखा है, ना ना वो भी जेल से बाहर निकल जाएंगे, सब और के औरतें हैं हमारे घर में, और पुलिस ने क्या जी मर्द एक भी नहीं है, मुकदमा बना लिया हमारे घर, सब मर्द पुलिस में डाल दिए, मुकदमा दर्ज, हाँ हाँ इनके नंबर पता है, आप डीएसपी साहब हो ना, आपकी नेम प्लेट वगैरह भी नहीं लगी ना, तो हफ्ते भर पहले मुझे नहीं पता, मुकदमा नंबर कितना है,
वो तो एफआईआर में कोई बात नहीं, वो सारे रिटर्न में बातचीत कर, एक बार बातचीत करें, देखो जवाब सही है, सबको पता लग रहा है हमने हरियाणा में हो गया है। नहीं, अरे नहीं भाई, किसी को बताने से क्या होता है, हमें पता है। और 304 का वो 304B का मुकदमा बढ़ा दिया, 302 का बढ़ाए, उसके बाद में 1 साल 3 की जेल लाग रही है, हरकत कर रहे और मेरे काम माउंट क्या लेता, कोई भी गुंडा को पूरा काम छिप रहा है। बुला लो जी, बुला लो, हम यहाँ पूरा काम छिप रहा है। रही बात ये, आप फिर ये रास्ता में इसकी गेल बदतमीजी कर रहा है क्या? तो आप कहाँ जा रहे हैं, आपके साथ तो प्यार बढ़ गया हमारा, ये साहब है। अरे राहुल जी आज आज साहब की गेल बात करा, तो सर बात इस तरह है कि यह RD सकुल छिछुकवास में सफाई का कर्म को करे, इसका पति मरना बात। फिर यहाँ आ रही थी जब रास्ता में सांझ का पाठ बजे, इसकी गेल हरकत करने लग गया, जब भी इसने अपने घर ही बताया अपनी सास को, फिर वो उनका घर ही लाना लेके गई, जब उसको गाड़ी गलोच देने लगे, फिर सांझ में वे 3 जना आया 24 फरवरी को, 24 फरवरी फरवरी इसको अच्छी बूंदी कहने लगे के है, एक मार दियो थमचमा डेटो मारो कि मैं ना बिगाड़ सको, और थमने बिगामती लकाड़ांगा, और पूरा गांव को आप पूछ लियो, इनके घर पे झगड़ा हुआ, घर पे झगड़ा हुआ, फिर जी के है इसका भाई आ रहा था, जिसका बहन भाई उसने उसका है ना चोट मारी, चोट मारने में 2 था और मुकदमा में 3 और फंसा दिया, जो कि आप जैसा इस जमींदार का पानी पात जा रहा था, कोई ट्रकाम जा रहा था, वे 5 का ऊपर 307 का मुकदमा। चोट कितने लोगों के लगी? एक के चोट पे सर में लगी, क्या लगी? उसका पेट में लग रही, क्या लगा पेट में बताओ, हिंसक खुला गया बता रहे, नहीं खुद मारा है, इसका भाई आ रहा था जी का, फिर के है उन पर भी मुकदमा बन गया, आक्रोश केस बन गया, उन पर भी वे आज तक गिरफ्तार नहीं करे हैं पुलिस ने, ठीक, जो के 302 का मुकदमा बनना था ये है, और उस टाइम पे रणबीर शाही था, जो के इंसान आप रणबीर शाही तो उरा जयदर में होगा, जानते हो गए आप, रणबीर शाही चौक के इंचार्ज 2-3 साल रह के चलेगा, मत चौक की इंचार्ज से रणबीर साहब से ये पूछो के जितना गांव लाग गए चौकी के अंडर में, इतना है तो मेरी निगाह में कम है, और इतना है इनका मुकदमा, तो आप तसल्ली कर लियो के पूरे गांव में अपराधी किस्म के आदमी, रही बात है गरीब तो एक छोड़ा नहीं, उन्हें कुटिया में ना सारा गरीब कूट दिया उनने, और क्या है जाट जाति भी कूट करी, इतना अपराध अपराधी किस कूट दी, बलबूता पैसा का उस पे, और क्या है गुंडापन पे।